Welcome to Dr. P.C. Verma Economics Classes under YouTube channel. Under YouTube channel, Dr. P.C. Verma Economics Classes is now focusing on advanced economics, which are rarely taught and courses finished. We all know that population is most important factor. Population means human resources. Today I am giving you the information about Julian Lincoln Simon. Write down. Julian Lincoln Simon. This is popularly known as Simon's theory of population. In NET examination, दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा और रहेगा कि पॉपुलेशन थ्योरी से जुड़ा हुआ कौन इकोनॉमिस्ट है जो वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ 20th सेंचुरी में 21st सेंचुरी में. तो नाम क्या होगा? जूलियन लिंकन साइमन. ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी मेरीलैंड वहाँ के ये प्रोफेसर हैं, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और ये शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशन के हैं. ये बड़ा ही पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट है, बड़ा अच्छा लगता है. कोई आदमी कहता है जीवन जीने का नाम है, जीवन खुशी का नाम है. ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक. कोई कहता है जीवन का मतलब है दर्द, जीवन का अर्थ है मृत्यु, वो पेसिमिस्टिक. तो नाम देखिए बोर्ड पर है एडम स्मिथ के बाद. एडम स्मिथ तो इकोनॉमिस्ट के पिता माने जाते हैं 1776. कभी भी नाम एसोसिएट करना हो तो एडम स्मिथ का नाम किस ईयर का जोड़ा जाएगा? 1776. एडम स्मिथ के बाद है इकोनॉमिस्ट. एडम स्मिथ का लिख लो जो बोले हैं. एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन, यहीं से इकोनॉमिक्स शुरू होता है. उसका ईयर क्या है? 1776. और अमेरिका का वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1776. जनरल नॉलेज का बात. ना एडम स्मिथ का किताब आता ना अमेरिका में आजादी आती. हालांकि कोई में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ईयर सेम है. 1776 वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ. बोर्ड पर एडम स्मिथ का नाम नहीं है, ये आपको हमें उनके पहले बता रहे हैं. और एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के पिता हैं. 1776 में इन्होंने अपना पुस्तक दिया वेल्थ ऑफ नेशन. इसके बाद इनके नेक्स्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस. क्या है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस. थॉमस माल्थस ने जो किताब दी उसका नाम एसे ऑन पॉपुलेशन. और ये कब दिया गया? 1798. माल्थस ने क्या कहा? माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो ज्योमेट्रिक पद्धति से बढ़ेगा. ज्योमेट्रिक पद्धति का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिक पद्धति जो इनका था, ज्योमेट्रिक पद्धति क्या हुआ? 1:2:4:8:16:32. और अनाज होगा 1:2:3:4:5:6. ये हो गया फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स. आइए हो गया पॉपुलेशन. इसको क्या कहा जाएगा? ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेस है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको क्या कहा जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बड़ा ही पॉपुलर है, बच्चे से स्कूल से पढ़ाया जाता है कि पॉपुलेशन थ्योरी माल्थस ने दिया, और माल्थस ने कहा कि मानवता का ये सबसे बड़ा कर्स होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, अनाज बढ़ेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और इतना जनसंख्या का वृद्धि दर तीव्र होगा कि कीड़ा मकोड़ा के तरह आदमी रोड पर निकल जाएगा, इधर से ट्रक गुजरेगा तो हवा में कितना आदमी सांप लेगा, कीड़ा मकोड़ा का जीवी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये थे पादरी, ये कहेंगे कोई भी औरत जो है बर्थ कंट्रोल का आर्टिफिशियल मेथड नहीं अपनाएगी, क्योंकि कैथोलिक थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो होता है क्रिश्चियनिटी में, तो प्रोटेस्टेंट जो होता है वो थोड़ा उदारवादी होता है, और कैथोलिक होता है बड़ा ही रिजिड होता है, सिया और सुन्नी, इस उदारवादी कौन है, सिया नहीं सुन्नी, अब जो सिया सुन्नी में कोई एक उदारवादी होगा, एक होगा कट्टरवादी। तो कैथोलिक क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट जो थोड़ा लिबरल होता है, आप कैथोलिक होता है एकदम क्लासिकल व्यूज रखने वाला। तो माल्थस ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल का उपयोग नहीं करेगा, ऑपरेशन तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी तरह से आर्टिफिशियल मेथड से जनसंख्या को रोकने का काम नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि जनसंख्या अपने आप सब ठीक हो जाएगी, कैसे, तो ये कीड़ा मकोड़ा की तरह होगा, भूख से मर मिला के खत्म हो जाएगा, फिर वापस यहाँ अब थे वहां जाए। इनका कहना है कि जनसंख्या को रोकने के लिए कोई पॉलिसी मत लगाइए, माल्थस सरकार ने छोड़ दी, बढ़ने दी, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इतना कीड़ा मकोड़ा की तरह भी बढ़ जाएगा, अनाज रहेगा नहीं, तो भूख से मिल मिला के मर जाएगा, प्राकृतिक आपदा आएगा उसमें मर जाए, रोकने का नहीं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ऑपरेशन कराने का जरूरत नहीं है, जो आज की बात हो गई है। कहा कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी और सारा हम लोगों का जो साधन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं जो विकास हो सके, इसी को कहा गया लिमिट टू ग्रोथ, क्या कहा गया, लिमिट टू ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, लिमिट, इससे आगे जो है आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन उसका सबसे बड़ा हार्डल होगा। पेसिमिस्ट थे माल्थस, बाद पेसिमिस्ट इकोनॉमिस्ट, आपको आ गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, माल्थस ऑप्टिमिस्ट था कि पेसिमिस्ट था, तो वो हम पूछे कि याद है, सब नहीं हुई याद रहता था लिख देते हम कैसे, तो वही आंख बंद करके जय हनुमान जय हनुमान करके जो छू दिए उसी को टिक लगे, ओके कि तुमको कंप्यूटर में छू हो कैसे कर लेते हैं, तो ये सब बात छोड़ दीजिए, आगे तक सही कीजिए ना तो छोड़ दीजिए। तो कहता है कि इकोनॉमी में माल्थस ने जो पॉपुलेशन थ्योरी दिया, उन्होंने जनसंख्या को एक विकट समस्या बताया, कहा कि मानवता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एकदम डुबा के आपको छोड़ देगा, आप उन्हीं के समर्थक या उनसे मिलता जुलता व्यू जो है इनका है, पॉल एर्लिच वेगर, ये भी कहते हैं कि ग्रोथ का एक लिमिट है। अब कहीं कोई पूछ देगा वेगर का क्या सिद्धांत है, तो वेगर का सिद्धांत है ग्रोथ का लिमिट है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होगा। ह्यूमैनिटी में जो ग्रोथ होगा
वो ग्रोथ क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो लिमिटेड ग्रोथ को किसने प्रोपाउंड किया, किसने स्वीकार किया, क्रिटिक था वो एकदम। ग्रोथ जो है वो एक लिमिट है। तो क्या नाम है, पॉल एरलिच वैगर, ये कहते हैं ग्रोथ का क्या है, लिमिट। ग्रोथ का लिमिट कहना भी पेसिमिस्टिक बात हुआ। हम लोग क्या कहते हैं, स्काई इज द लिमिट। 70 साल, कितना साल से, 50 साल से केस मुकदमा चल रहा था, और डेट फिक्स कर दिया कि रिटायर होने के पहले जो हम इसका निर्णय लेंगे। और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग वहां अपना बहस कराते रहे, साक्ष्य देते रहे, रिजल्ट भी आ गया, सब लोग उसको स्वीकार किया। तो ये हुआ ऑप्टिमिस्टिक। अब पेसिमिस्टिक है कि एकदम निगेटिव धारे रहे, संभव ही नहीं है। तो क्या संभव नहीं, मानव के लिए सब चीज संभव है। तो साइमन जो है, जूलियन, जूलियन लिंकन साइमन, ये कहते हैं कि पॉपुलेशन का बढ़ना और नेचुरल रिसोर्सेस का लिमिट होना, इसका रोना नहीं होना। व्हाट इज स्कार्सिटी? अरे स्कार्सिटी होगा तब स्कार होगा, स्कार्सिटी होगा तो अल्टरनेटिव लोग ढूंढेगा। और जूलियन साइमन कहता है कि स्कार्सिटी लकड़ी का होगा तो ढूंढ के सिंथेटिक निकाल दिया। अब देखिए, नीचे में रहिएगा तो लकड़ी का दरवाजा है, ऊपर चढ़िएगा तो लोहा का दरवाजा है, बाथरूम जाइएगा सिंथेटिक दरवाजा है। काम आप वही कीजिएगा जो कर रहे हैं, एक दरवाजा का क्वालिटी क्या है, यही कहलाता है इनोवेशन। जूलियन साइमन ने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ए प्रॉब्लम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पॉपुलेशन ग्रोथ से हो जाएगा, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। पॉपुलेशन बढ़ेगा किसी चीज का स्कार्सिटी हो जाएगा, यही होगा। का स्कार्सिटी हो जाएगा तो इन द इकोनॉमी दिस स्कार्सिटी प्रॉब्लम विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व। हाउ कैन इट बी सॉल्व? स्कार्सिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाई स्कार्सिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाई न्यू इनोवेशन। तो पॉपुलेशन थ्योरी जो है वो मॉडर्न पॉपुलेशन थ्योरी जो 1998 में डेथ हुआ, जूलियन साइमन, जूलियन कोलेन साइमन, बोर्ड पर देखिए जूलियन लिंकन साइमन पॉपुलेशन थ्योरी, और वो पढ़ रहे जो कि मार्थेसियन पॉपुलेशन थ्योरी के ठीक उलट है। मार्थेसियन थ्योरी कहता है कि पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम, मार्थेसियन थ्योरी कहता है कि पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड ग्रेन इंक्रीजेज इन अल्टीमेटिक प्रोग्रेशन। So there will be a gap, there will be a food crisis. People will die because of food scarcity. और आदमी आबादी इतना बढ़ जाएगा, मात्र सकाना था इतना आबादी बढ़ जाएगा, उनके दिमाग में हरित क्रांति नहीं था, इतना आबादी बढ़ जाएगा कीड़ा मकोड़ा की तरह लोग रोड पर चलने लगेंगे और भूख से बिल बिला के मर जाएंगे। इन्होंने मार्क्स ने क्या कहा कि पॉपुलेशन रोकने के लिए कोई आर्टिफिशियल मेथड ना लगाएंगे। पॉपुलेशन को रोकना अगर है तो प्रकृति पर इंतजार कीजिए, भूकंप लाएगा साथ, बाढ़ लाएगा साथ, तूफान लाएगा साथ, बुलबुल आएगी जाएगी साथ। अब इतना प्राकृतिक आपदा है, डस्ट स्टॉर्म आवेगा साथ,
सुनो मैं स्टॉन आएगा साहब परिकर आएगा साहब आदमी मरने का बहुत उपाय माता का अध्याय इसी साफ हो जाएगा इसलिए आपको चिंता नहीं करना है और कोई आदमी बर्थ कंट्रोल नहीं करेगा नहीं कोई औरत गर्भपात करेगी इसके एकदम खिलाफ कहे कि जनसंख्या वृद्धि ताबड़तोड़ होगी और मरेगा डेथ रेट बढ़ जाएगा कहा कि डेथ रेट बढ़ जाएगा तो मरेगा और दूसरा है इन्होंने कहा प्रिवेंटिव चेक एक चेक इन्होंने कहा नेचुरल चेक ना कुछ कीजिएगा तो भी मरिएगा नेचर के द्वारा जमाना भी ऐसा था कि हैजा हुआ साफ पूरा गांव है साफ प्लेग हुआ था आधा गांव साफ बाढ़ आया था रेत साफ पॉपुलेशन हमारा जो है छोटा का छोटा ही डाल गया यही कारण है कि जब हम लोग आजाद हुए 1947 में तो पॉपुलेशन 40 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ उस समय था जमीन वही है जो आज है भूख से मर रहे थे मात्र 40% अनाज हम लोग का जो रिक्वायर्ड था वो 40% अनाज हम लोग उगाते थे अरे 60% कहाँ से आता था यूएसए से कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से वी वेयर इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स उस समय कोई आदमी से पूछिएगा कि हम लोग सेल्फ सफिशियंट होंगे फूड में तो हंसने लगे कुछ नहीं कुछ नहीं भगवान पर जब तक है लिखा हुआ एक आदमी कहा जब डेड बॉडी गुजरता है ना तो हम कान में रुई लगा देते हैं वो आवाज सुनते हैं तो बड़ा मन में मन धड़कने लगता है ऑटो में जा रहे थे तो वो बतिया आया तो वही कहा जब भी गुजरिएगा से भेंट होकर करेगा हम लोग को बचपन से आदत है कि जो लास्ट जा रहा है तो उसको प्रणाम करते हैं अभी नहीं हम देखेंगे लागे के प्रणाम करें कि ना छोड़े इसका बात जो जा रहा है उसको प्रणाम कर ही दीजिए अगर तो बोला लेगा तो झंझटे हो जाएगा हम प्रणाम करते हैं बगल में तो वो प्रणाम कर रहे आप कह रहे प्रणाम किए तो भाई आप कह किए हम कहें इसलिए कि उसको टाटा गुड बाई मिल जाइए अच्छा से तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मृत्यु दर बढ़ेगी और नेचुरल फैक्टर काम करेगा जिसमें कि आपको बताया है जहाँ प्लेग कॉलरा नेचुरल कैलेमिटी माल्थस ने क्या कहा कि एक और बात कहा प्रिवेंटिव चेक नेचुरल चेक और प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव चेक का मतलब क्या हुआ कि देर से शादी कीजिए तो देर से शादी कीजिएगा तो बच्चे की संख्या क्या घट जाएगी औरत का लास्ट बच्चा जो है वो 39 इयर्स तक हो सकता है लेकिन मदर के लाइफ पर डेंजर आ सकता है तो कोई भी फीमेल जो है वो 39 ईयर वेट नहीं करेगी जो करना है इधर ही करेगी ये वो या तो वो जो भी हो 39 इयर्स जो है अगर हो गया नहीं हुआ तो लोग इंडिया में आता है और एडॉप्ट करता है छोटा बच्चा कहीं से ले लिया उसी को पाला विदेश में तो जाइएगा तो मीट माई सन मिलाया थे वो कुत्ता था अभी सन है था इसको हमने नाम सन रखे और उसके घर हमारे सन नहीं है तो उसी को सन सन करके सेटिस्फेक्शन हो रहा है बहुत आदमी देखिएगा अपना बेटा का नाम रखे वकील जज दरोगा घर में जाइएगा दरोगा है कि नहीं तो नहीं बाजार निकले हुए बाहरी आदमी बैठा हुआ उसको लेगा वाह इससे घर में दरोगा अब वकील कहाँ गए तो चले गए अभी जज तो जज भी हैं अभी यहाँ नहीं है बाहर और जो बाहर बैठा हुआ है वो एकदम सीधे बैठ गया कि घर में ज्यादा लनपन नहीं होना चाहिए जो कहे बात तो कहता है कि सेटिस्फैक्शन तो माथस कहे कि पॉपुलेशन आपका बढ़ेगा आपको आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं करना है आपको गर्भपात या ये नहीं करना है ना ऑपरेशन कराना है जो हम लोग क्या 1974 में हुआ था कि रेल ट्रेन में जा रहे बिना टिकट के दौड़ लिया टीटी तब पहले टीटी धरता था तो फाइन करता था अब की धारा तक कानून चलो सूती सूते कहते सूती खर्च कर सब का काट दिया नस गूगल में डालिए आपको देगा कि कितना आदमी कौन रूट में नसबंदी हुआ उसका ऐसा नसबंदी हुआ कि वो तो बिना टिकट नहीं चलेगा अब उसके तरह का बच्चा भी पैदा नहीं हो बिना टिकट चले फाइनली सॉल्व टिकटलेस ट्रेन का टिकट
गार्सियन चैम्बर क्या है, उसको कहा जाता है फ्री फ्री राइडर्स, ट्रेन चढ़ी चढ़ गया उनकी उतर गई, फ्री राइडर्स। तो हमारे यहाँ भी पॉलिसी लगा 1974 का पॉलिसी है पॉपुलेशन का, देखिएगा किताब में कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन। सबको कहा कि अगर आप नहीं खोज के लाइएगा नसबंदी कराने वाला तो सैलरी बंद। अब लोग भाग रहा है, साली को पोट रहा, सुनिए ना साली को ऑपरेशन करा के अगला महीने में साली का हस्बैंड साड़ू बोलेंगे उसको कर सब अनुमान बना लिए कि सरकार को गिराना है। गिर गई सरकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब डर रहा है। एक बार एक रिपोर्ट आया किसी शहर का कि शहर में 100% सरदार का फैमिली प्लानिंग हो गया। अब हंगामा हो गया कि बाप इसका मतलब है कि अब सरदार तो वहां पैसे नहीं लेगा। आया पता लगाया कि क्या कारण है, तो पता चला कि एक ही वो सरदार था उस कैंप में, एक ही सरदार था, उसका ऑपरेशन होगा तो 100% हो गया। अब अरे दूसरा कोई जो होगा उसका संग है, तो ये कहता है स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो तरह का रिजल्ट आपको दे देगा। स्टैटिस्टिक्स लग रहा है ना कि 100% सरदार ऑपरेटिव, तो इससे खून खराब जो हाथ चला गया किस पर, कटार पर, बाप ये हमारा कौम को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति उस तरह का था। उसे कहता है स्टैटिस्टिक्स पर नहीं जाइए, सच्चाई पर जाइए कि पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम और नॉट प्रॉब्लम। मार्थस कहते हैं पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम, और जूलियन साइमन, जूलियन लिंकोल साइमन का कहना है कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट ए प्रॉब्लम। क्यों? तो साइमन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्स स्कार्स हो जाएगा, रिसोर्स स्कार्स हो जाएगा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा तो अल्टरनेटिव ढूंढेगा। जो इंटरप्रेन्योर है वो क्या ढूंढेगा, अल्टरनेटिव। वुड है, मान लीजिए वुड का स्कार्सिटी हो रहा है, कॉस्टली हो रहा है, तो साइमन का कहना है कि अगर कॉस्ट वुड का बढ़ रहा है तो पहला काम क्या होगा, अल्टरनेटिव ढूंढेगा। अल्टरनेटिव ढूंढेगा वुड का, अल्टरनेटिव सिंथेटिक, सिंथेटिक का दावा है। वुड का अल्टरनेटिव क्या, अल्मोनियम का दावा है। वुड का अल्टरनेटिव शीशा का दावा है। अब तो जहां भी शहर में चले जाइए आइए खुला है, अब पूरा शीशा से आपको बंद है, अब उस पर टांग देता है खुला हुआ है आगे, तो उसको पुश कीजिए अंदर जाइए पूरा शीशा, दरवाजा खिड़की के अतिरिक्त बहुत सारा इंटरनल जो ताखा उखा बनाता है रैक बनाता है सब किस चीज का बनाता है, शीशा। तो अल्टरनेटिव है, शीशा भी ऐसा आया कि हम आपको अपना पर्सनल बताते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में बहुत ऊंचाई का ये है, ऊपर जाकर सबसे टॉप पर जब आप पहुंचिएगा तो शीशा का फ्लोर है, कहता है कि इसको चढ़ गई, चढ़ जाइएगा तो जो नीचे आपको 100 फीट 200 फीट जितना आप ले गए हैं वो नजर आएगा, ऊपर देखिएगा थोड़ा नजर आता है शीशा है पूरा खाली। तो बहुत देर तक हम कराते हैं अपना चल नहीं रहे थे, अब तो पढ़े तो लिखे हुआ है कि साथ वो हाथी चढ़ेगा ना तो उसका लोड ही ले लेगा। मनी मैंने सोचे कि हाथी को तुम चढ़ाएगा कहां से, उसके बाद वो डायनासोर जो है कर वो उका वो चढ़ेगा तो उतना का लोड ले लेगा। इतने में देखिए कि वो हस्बैंड वाइफ नया यंग जोड़ा है, तो यंग में तो बहुत खुश रहता है दोनों हस्बैंड वाइफ, थोड़ा सा पुराना होगा तो भले झगड़ेगा। तो वाइफ आई है बैठ गई वहां सिसवा पर जो फ्लोर है कनाडा में टोरंटो में है, और उसी जगह उसका हस्बैंड बैठी है खूब सेल्फी भी ले रहा है, फिर दूसरा परिवार तीसरा परिवार तो साथ वो जब उठा चला गया तो वह हिम्मत करके अपना ये बुक पैर रख के तब दोनों रख के देखे ठीक है, तब धरासा बीच में मैं खुद फाने से खड़ा था फोटो करके। तो
ग्लास का मजबूती देखिए कैसा बनाया है, कि सैकड़ों फीट ऊंचा ऊपर टॉप ग्लास का टॉप है, उस पर चढ़िए, कहीं कुछ होने को नहीं, और होने को तो कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक क्या हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन नॉर्मल वेट से उठाता है। उसके ऊपर गए तो देखे कि सब आकाश में तैरने के लिए कमर में बेल्ट लगा दिया, उसका हुक लगा दिया, और उसका देख बैग धकेला चल गया आकाश में, खूब दूर चला गया, और फिर वहां से खींचा के वापस आ गया तो पकड़ लिया, जैसे कुछ ही दबाया श्राख से सब चला गया एकदम दूर एकदम, उसकी जितना उसका इलास्टिसिटी था, और उसका फिर सब वापस आया, फिर वहीं आ गया, एक बार दो बार कुछ कराया, फिर दूसरा क्यों लगा। तो कहता है कि रिस्क सब जगह है, तो पॉपुलेशन का बढ़ना रिस्क नहीं है, साइमन का कहना है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जितना भी उत्पादक होगा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्कार्सिटी होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो नया नया खोज होगा, नया नया अल्टरनेटिव ढूंढेगा, और अल्टरनेटिव ढूंढने से उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उत्पादन नए तरह का। एग्जाम्पल दिया है ऊंट का, ऊंट सब जगह कॉस्टली हो गया है, भी तो पेड़ काटने नहीं देगा तो कॉस्ट बढ़ गया, अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। अब आप हर मोहल्ले में देखिएगा बैठ करके अल्मोनियम को रेत रहा है, उसी का चौकट उसी का दरवाजा बना रहा है, लोहा का जो सीट है उसका दरवाजा लोहा का बना रहा है, गेट जो है लोहा का, धीरे धीरे जो बिल्डिंग सब है कॉस्ट कम करने के लिए और वेट कम करने के लिए ज्यादातर ग्लास का इस्तेमाल करता है, तो मजबूत ग्लास, रूम के खिड़की सब में ग्लास है, लिफ्ट में ग्लास है, सब जगह ग्लास मैक्सिमम लगा रहा है। तो ये सबसे क्या हो गया कि ऑल्टरनेटिव आ गया और आपका प्रोडक्शन चलता रहा। कहा कि इकोनॉमी में कभी भी ग्रोथ रुकने वाला नहीं, ग्रोथ होता रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, स्कार्सिटी होगा, स्कार्सिटी से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे कॉस्ट बढ़ेगा अल्टरनेटिव ढूंढने लगेगा, और जैसे जैसे अल्टरनेटिव ढूंढता चला जाएगा तो पॉल सैमुअलसन है, ये जूलियन जूलियन एल जूलियन लिंकन साइमन जो है वो ऑप्टिमिस्ट था, उखा कि हम बागी लगाने के तैयार है, बागी कर बतियाते हुए धकेल दिया था ऊपर से, तब से हमको इसके प्रति बड़ा रोष आ गई, निगेटिव कैरेक्टर का रोल किया, कि बात करते करते बागीगर सिनेमा में